है तुम्हारा? शक्ल से तो लग रहे हो एकदम आलू बुखारा। ओके बाय। अरे मैडम, इसने जो अभी कहा ना, इस पर मुझे एक शेर याद आ गया, जरा मुलायजा फरमाइए। मुलायजा बाद में फरमेगा, पहले जो कह रहा है जल्दी कह ले, वरना रैपटा फरमा दूंगी मैं। वेल ब्रो, शेर जरा रोमांटिक होना चाहिए। भैया लो, जिस आदमी की जिंदगी अटलांटिक हो रखी है, वो रोमांटिक मांग रहा है जीवन में कुछ। उफ। कैरी ऑन। अर्ज किया है कि तुम इतना जो भीगे आ रहे हो, क्या मामला है जिसे छिपा रहे हो। वेरी बैड। अब मैं कुछ बोलू? वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द कैरी ऑन। मैडम मेरा नाम है मंगेतर बसंती, आपकी शादी में। मैडम आपकी शादी में? अरे मैडम क्या आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम है मैडम। अरे मैडम आपने शादी कर ली और बताया तक नहीं। अरे मैडम बुलाना तो चाहिए था ना मैडम। चलो माना के शादी जरा एकदम क्लोज नेट फैमिली के लिए होता है, लेकिन मैडम रिसेप्शन हुआ होगा उसके लिए तो बुलाती, कम से कम उतना तो बनता है। चौथे में बुलाऊंगी, थारे चौथे में है, अगर 3 सेकंड में चुप ना हुआ तो टाकेटी। 1 2 चुप। अबे बोल ले यार, तू हाँ पे जा रहा है खड़े खड़े, यहाँ पूरा दिन बिता दिया तेने। मैडम मैडम हुआ ये कि आज सुबह मेरी बीवी ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि तुम बाप बनने वाले हो। कैरी ऑन। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि बाथरूम में नल की टोटी लीक हो रही है, किसी प्लम्बर को बुला के लेके आओ। तो मैडम मैंने प्लम्बर को बुला दिया, तो प्लम्बर आया, उसने नल की टोटी खोली, मतलब कि पाइप से नल को अलग किया। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया कि चलो मेरा कुछ काम नहीं अभी। उसके बाद क्या हुआ पता है मैडम? उसके बाद में वो प्लम्बर मेरी बीवी से ये कह के चला गया कि भाभी जी अभी 2 मिनट में मैं आता हूँ, साथ में वो नल की टोटी भी लेके गया। शाम को जब पानी आया मैडम, तो घर में पानी ही पानी आपकी शादी में। वेल ब्रो, व्हाई नॉट भाभी जी क्लोज द नल इज द। कैसे क्लोज करती भाभी, कैसे क्लोज करती नल को, क्योंकि नल की टोटी तो वो प्लम्बर लेके गया था ना। मैडम फिर भी वो बहते पानी को रोकने के लिए मेरी बीवी ने मेरी महंगी महंगी टाई उसमें ठूसी, मेरे रुमाल ठूसे, मेरे मोजे ठूसे, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था आपकी शादी में। फिर क्या मैडम, सारे घर में पानी ही पानी। जब शाम को मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ, मेरे ऊपर भी पानी। मैं नीचे से ही जोर से चिल्लाया, अरे किस गधे के घर से पानी गिर रहा है। और तुम्हें कब पता चला कि वो गधे तुम ही हो? जब सारे सोसाइटी वालों ने मिलकर मुझे पीटा और 10,000 रुपए फाइन लगाया, तब आपकी शादी में। हुई 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 हुई। मैडम मुझे उस प्लम्बर के खिलाफ FIR लिखवानी है आपकी शादी में। यार कौन है ये महापुरुष प्लम्बर, बुलवाओ ससुरे ने, इसको ले जा तू अपने संग, इसकी शकल टोटी सी हो रही है, इसी ने जो है जमा ले। लेकिन मैडम ये उसमें फिट होंगी पने? अबे ये फिट होगा जरूर, हम में फिट हो रहा है, जवानों में बिल्कुल ही, पोतियों की उम्र की छोरियों को मम्मी जी कह रहा है, कहीं भी फिट होगा, ये आलू है कहीं भी डाल दो। नहीं मुझे डर है मैडम कि वो अंदर से अंदर बह ना जाए। जाना यार, आइए मैडम। प्लम्बर नाम बोल। नल। अबे काम नहीं, नाम बोल ले। मैडम यही मेरा नाम है, मैं नल हूँ। अबे हैंडपंप भी होता तो भी क्यों उखाड़ लेता तू? अरे कुछ नहीं मैडम, अल्ताफ भाई का एरिया है। ए, 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 ये कोई अल्ताफ भाई का एरिया नहीं है, ये मैडम का एरिया है, समझे ना। अबे के कर रहा है तू है ना, लोगों के घरों के नल उखाड़ के उनकी टोटियां जो है अपने संग बांध के लेके भगे ले रहा है तू? नहीं नहीं मैडम, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरा कसूर नहीं है, अल्ताफ भाई का एरिया है।
तो किसका कसूर है? सारी ड्योल का कसूर है इसमें? नहीं नहीं, इनकी इनकी बीवी का कसूर है, अल्ताफ भाई का एरिया है। यार ऐसा क्या कह दिया भाभी जी ने? है मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर भाभी जी के बारे में कुछ बोला तो। हाँ तू भाभी जी से अडॉप्ट हो ले, गोदी का लल्ला बन जा, ममता की छाओं में झूल ले। कैरी ऑन। मैडम मैडम मैं कुछ नहीं जानता, बस आप इसे ना अरेस्ट कीजिए आपकी शादी में। अरे अम्मा के नौकर लगे हैं हम या मौसी के लड़के हो रहे हैं जो जो है गर्मी की छुट्टियों में आ गए बगीचों में आम आम तोड़ेंगे खेलेंगे एक साथ? क्यों भैया इसकी बीवी की क्या गलती हो रही? देखिए मैडम हुआ क्या कि इन्होंने हमें अपने घर बुलाया नल ठीक करने के लिए, तो भैया हमने कहा चले जाते हैं, धंधा मंदा चल रहा है, चलो चले जाते हैं अल्ताफ भाई का एरिया है। जब हम इनके घर पे पहुंचे तो हमने नल की टोटी खोल ली, सोचा चलो टोटी खराब हो गई या टोटी भैया बदल देंगे या पाइप बदल देंगे। लेकिन मैडम हुआ क्या कि ये तो निकल लिए अपने ऑफिस और आफत आफत मेरे सर पे छोड़ गए। मैडम इनकी बीवी है ना इतना बुरा डांटती है, मतलब ऐसे झड़ियाती है मैडम जैसे कुत्ते को झड़िया रही हूँ, मतलब मुझे ऐसे बुरी तरीके से डांटा मैडम कि मैं घबरा गया और बैग लेके अपना भाग खड़ा हुआ। उसी बैग में मैडम टोटी थी, अल्ताफ भाई का एरिया है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर इनकी बीवी ने तुम्हें नहीं डांटा होता तो तुम घबराते नहीं और तुम भागते नहीं और वो टोटी अपने बैग में डालकर लेकर जाते नहीं है? भाई गाल दस, भाभी जी को तूने ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने तुम्हें डांट दिया है? क्या कह दिया? शर्मो मत, डोंट शेम, प्लीज दसना की होया है? है कक्के ओ पुत्र है? कैरी ऑन है। मैडम मैंने अपनी बीवी को कई बार समझाया कि इतना मत डांटा कर लोगों को आपकी शादी में, लेकिन वो है कि मानती नहीं है आपकी शादी में। देखा मैडम देखा, ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इनकी बीवी कितनी डांटू टाइप की औरत है। मैडम मैडम मेरा एक भाई है, सीधा साधा भाई है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। एक बार इनके यहाँ बिजली का काम करने गया, इनकी बीवी ने मैडम ऐसे डांटा उसको, ऐसे डांटा कि वो बेचारा डर गया, सदमे में आ गया, खैराती अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, बीमार हो गया है, अल्ताफ भाई का एरिया है। बेटा ऐसा है झोलधारी बीवी में दिखे मन्ने। एक काम कर तू बुलवा जरा अपनी बीवी ने, हम बात करेंगे उससे लेडीज टू लेडीज। इंस्पेक्टर बजरंग पाले, ये क्या बदतमीजी है? सर आप? नहीं। हाँ हाँ मैं। अरे सर आप यो कमिश्नर साहब के संग कमर मटक्का कर रहे थे। वो क्या है ना मैं चौड़ाला, हमने सुना है कि कमिश्नर साहब के घुटने में बहुत दर्द होता है, वो चलते चलते रुक जाते, एक बार बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते बेचारे, बहुत ही खराब हालत में, राइट कमिश्नर साहब? तो हमारे गुरुजी ने हमें ये घुटना दुर्घटना नृत्य सिखाया था, हम आपको भी नृत्य सिखा रहे थे और हमने सुना है कि नृत्य करके आपके घुटने का दर्द तो ठीक हो जाएगा बस। हाँ क्या है घुटना, क्या नाम बोला? घुटना दुर्घटना नृत्य। घुटना दुर्घटना नृत्य। अरे वाह कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। हाँ मुझे काफी फर्क पड़ा, जरा फिर करो दोबारा। हाँ सिखा दे सिखा दे ना, हमारा फर्ज है। तो चौटाला जाइए ना, हम अपना फर्ज पूरा करके आते हैं। आप जाइए प्लीज प्लीज। चल तू देख के रहा है, चल चल शुरू शुरू जा शुरू ना। आओ आइए आइए। एक्सक्यूज मी, ये है मेरी वाइफ। ओह तो वो तुम हो? हाँ वो मैं हूँ। लेकिन तू ये बता मुझे कि तूने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? तूने बुलवाया मुझे? हाँ बकवास बनकर अपनी, और ये बता कि बकवास सुनने की आदी नहीं हूँ मैं, सुन लिया तूने? मुझे अगर गुस्सा दिलाया ना फिर फोड़ के रख दूंगी तेरा। मुझे क्यों बुलवाया है इसने? हाँ जैसे कि मैं इसकी अम्मा जी की नौकरानी हूँ मैं। किसने बुलवाया बोल, किसने बुलवाया मुझे यहाँ? वाह बैल बैल बुद्धि के
तूने बुलवाया मुझे, हैं? तूने बुलवाया मुझे यहाँ पे? अरे आईने में उम्र देखी तूने अपनी? अपने दादाजी की उम्र का हो गया है तू? लेकिन तू ये अकल नहीं आई अभी तक? मेरे को गुस्सा दिला रहा है, तेरा सिर फोड़ के रख दूंगी। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया ना, यमराज को बुलवा के यही तेरा पुनर्जन्म करवा दूंगी मैं अभी के अभी। अबे डालो साले को अंदर। गया कौन है वो? ना इतनी ऑरेंज स्क्वाश भड़कीली एकदम आंखों को तकलीफ देने वाली लाउड साड़ी पहन के। मम्मी जी ये इसकी वाइफ है जी, इसने मुझे बहुत डांटा जी। हाँ मैडम मेरे भी पसीने छूट गए। अच्छा मारी चौकी में आके मारी बाल को नमका रही है, हैं? आई जरा, हैं? क्या है, क्या तकलीफ है, ऊपर देखिए इधर। हाँ जी चलिए डांट ही मन ने डांट। मैडम मैं कहाँ? अरे डांट ये ना। अबे डांट। मैडम मैं कहाँ डांटती हूँ, ये तो मेरा नेचर ही ऐसा है। नाम क्या है? नेचुरल का। कोयल कुकड़ू कू। सॉरी सॉरी कोयल कू। कोयल बसंती नाम है मेरा। कितनी भोली हूँ मैं, है ना? भोली तुम घन की वो गोली हो जिसे चलने के लिए बंदूक की भी जरूरत नहीं है। अरे घनी कंप्लेंटें आ रही हैं तुम्हारी यार, एकदम फेमस हो रही हो आजकल मोहल्ले में कि भाई दर्जी इलेक्ट्रीशियन ने प्लम्बर ने माली ने धोबी ने हर इंसान को बिल्कुल ही डांटे ले रही हो, लताड़े ले रही हो बिल्कुल ही। देखिए आंटी ऐसा है, कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जावे, समझ रही हैं आप? हाँ कोयल सुना तुमने मैडम ने क्या कहा आपकी शादी में? मैंने तो सुन ही लिया, लेकिन तुम भी कान खोल के सुनो, ज्यादा जबान चलाई ना तो यही दो टुकड़े कर दूंगी मैं जबान के। जा रही हूं मैं, जा रही हूं। देखा देखा मैडम आपने, देखा ये मैडम आप सोच भी नहीं सकती कि जब मैं घर जाऊंगा ना तब ये मेरा क्या हाल करेगी आपकी शादी में। अरे तो भाई ऐसा है कि गुस्सा करने वाला इंसान कई बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जावे, है ना? और रही बात इसकी बीवी की, तो इसकी बीवी पर मुसीबत गिरेगी कल। घुटना दुर्घटना नृत्य। सब्जी ले लो सब्जी। अरे कॉपी आ गई, शुरू कर शुरू कर। अरे भैया तुम तो नए आए लगते हो, पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाभी जी, जो पहले यहाँ सब्जी बेचता था उसको किसी औरत ने इतना डांटा कि वो भाग गया, बस उसकी पोस्ट पे अब मैं आया हूँ, मैं सब्जी बेचूंगा। अरे वो औरत तो मैं ही हूँ, देखो कितनी भोली हूँ मैं, है ना? अच्छा ये तो बताओ ये बैंगन कैसे दिए? ये लौकी 40 रुपए किलो है। नहीं नहीं भैया मैं बैंगन पूछ रही हूँ, बैंगन का क्या भाव है? ये टमाटर 30 रुपए किलो है। लगता है ये ऊंचा सुनता है। भैया बैंगन कितने रुपए किलो दिए हैं? ये टिंडे हैं, ये 35 रुपए किलो है। अरे मैं बैंगन पूछ रही हूँ, बैंगन क्या भाव दिए हैं, और तू मुझे टिंडे और गोभी और टमाटर का भाव बता रहा है? तुझे मैं पागल लग रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मेरे गुस्से को जानता नहीं है, एक बार मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना तो सिर फोड़ के मैं टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ मैं। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, ठहर तेरी तो अभी मैं आ, 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 ए, 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 सब्जी वाले भैया क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब मुझे दिल का हार्ट अटैक आया है, वो भी इस औरत की वजह से। मेरी मौत की जिम्मेदार ये छोटी सी औरत है। ए,
सब्जी वाले भैया, सब्जी वाले भैया तो मर गए, लेकिन अच्छा हुआ अपना बयान दे गए कि इनके मौत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें कातिल हो, खूनी हो, यू आर अंडर अरेस्ट, चलो मेरे साथ चलो चलो। भैया बता दो। So bad. भाई ऐसा है कि वो जो था ना भाजीमैन है सब्जी वाला, भाई वो तो अपने लास्ट वर्ड्स में यानी अपने अंतिम शब्दों में ये बोल गया कि मारी जो है मृत्यु हो रही है इस जो है लेडीज की वजह से, क्योंकि इसने मन ने डांटा, इतना चिल्लाई कि मैं घबरा गया, मन ने आ गया हार्ट अटैक एंड आई एम डाइंग। बाय मैडम, मैंने ये कुछ जानबूझ के नहीं किया मैडम, ये अपने आप ही हो गया उसका मर्डर। अबे तो मैंने तो थारे को पहले भी समझाई थी बुला के यहाँ एकदम पर्सनली कि देख भाई गुस्सा करने से किसी का कुछ भला ना हो, बल्कि गुस्सा करने वाला आदमी कई बार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जावे, मुसीबत में। पर थारी समझ में आई कोई ना, तू तो अपने जो है एटीट्यूड में एरोगेंस में निकल गई बिल्कुल यहाँ से लहराती हुई सी। वेल पापी जी, हूं तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता जी, अब आपको जेल होके रहेगी, अब जेल में चक्की पीसना। I am shameless. Eh? Helpless. Yeah, this one. मैडम, 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 मैं ये क्या सुन रहा हूँ आपकी शादी में? बिल्कुल सही सुना है, योर वाइफ इज अ किलर, इसने एक जो है आदमी निपटा दिया अपने गुस्से के चक्कर में, वेरी बैड। मैडम अब मुझे एहसास भी हो गया है कि आप कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। आप श्योर हैं कि आपको एहसास हो गया? हाँ भैया हाँ। चलिए अब आपको एहसास हो ही गया तो आपको ये भी बता दें कि वो सब्जी वाला कोई और नहीं बल्कि अपना गोप्स है। Yeah, she was me, Gopis da. यो सब हमने जो है तेरे सबक सिखाने के लिए नाटक करा था, पर सोच अगर यो नाटक ना होता तो आज सारा क्या हाल होता, सही में जेल जाती तू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी मैडम। मैडम अब मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ सच? हाँ माने मतलब तुम कभी भी गुस्सा नहीं करोगी? हाँ मतलब इस लाइफ में भी तुम कभी गुस्सा नहीं करोगे? हाँ हाँ हाँ। एक सवाल कितनी बार पूछोगे तुम? एक बार कह दिया ना गुस्सा नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। आज घर चलो, तुम्हारा सिर फोड़ के मैंने दो टुकड़े ना कर दिए, कोई नाम नहीं मेरा। मैडम